Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. This is my third episode of English Capsules. So let us start this particular session in detail. Word of the day, punitive. इसको प्रनाउंस कैसे करते हैं? Punitive, right? जिसका मीनिंग होता punishable, जिसका हिंदी मतलब हो गया दंडात्मक, जब आप किसी को पनिश करते हो. इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक एडजेक्टिव है. इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करता हूँ, करेक्शनल, करेक्टिव, डिसिप्लिनरली, पीनल, ये इसके सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स है. एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, नॉन पनिशेबल, नॉन प्यूनिटिव, नॉन प्यूनिटिव. इसका यूज देख लेते हैं. अ प्यूनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट वियर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस. मतलब उन लोगों के खिलाफ एक दंडात्मक क्या कार्रवाई की जाएगी जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर. तो आज का हमारा वर्ड रहा प्यूनिटिव, जिसका मतलब हो गया पनिशेबल और हिंदी में दंडात्मक. इडियम ऑफ द डे देखते हम. इफ आई वर इन योर शूज, देखिए इफ आई वर इन योर शूज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. इफ आई वर इन योर शूज का मीनिंग हो गया अगर मैं तुम्हारी जगह होता. When you want to tell someone what you would do in their situation, जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, तब हम यूज करते हैं if I were in your shoes. देखिए, if I were in your shoes, अगर मैं आपकी जगह होता, I think I would write her, मैं उसको लिखता, rather than to explain over the phone, फोन पे explain करने की बजाय. तो हमारा idiom of the day word हो गया if I were in your shoes, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. वन सब्स्टिट्यूट वर्ड देख लेते हैं. हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा इंसान जो भाग्य में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हम फेटलिस्ट. क्या बोलते हैं इसको? फेटलिस्ट, जिसका हिंदी मतलब हो गया भाग्यवादी. इट मीन्स समवन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको हम फेटलिस्ट बोलते हैं और हिंदी में हम भाग्यवादी. चलो एक फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, प्ले एट. प्ले एट का जो मीनिंग होता है बिना रुचि के कोई काम करना उसको बोलते हैं प्ले एट. जैसे टू डू समथिंग विदाउट इंटरेस्ट, कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के करना उसको बोल सकते हैं प्ले एट. देखिए, आई थिंक मुझे लगता है शी इज प्लेइंग एट, प्लेइंग एट रनिंग अ बिजनेस. मतलब मुझे लगता है कि वो बिना इंटरेस्ट के बिजनेस को चला रही है. प्लेइंग एट का मतलब हो गया टू डू समथिंग विदाउट इंटरेस्ट, हिंदी में बिना रुचि के कोई काम करना. अब आते हैं एक ग्रामर टिप की बात कर लेते हैं, यूजिंग इफ कंडीशनल्स. देखिए, मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस. फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इफ क्लोज होता है, वो आपका या तो प्रेजेंट में आता है. फ्यूचर की अगर मैं बात करता तो इफ क्लोज आपका प्रेजेंट में आता है, और बाद वाला जो क्लोज है वो विल प्लस वी वन में आता है. तो कभी भी आपका जो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो इफ क्लोज होता है, जिसके साथ कोई भी कंजक्शन लगी होती है, जो कंजक्शन क्या बताती है आपकी, जो कंडीशन को बताती है, वो अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस लेकर नहीं आती है. देखें, इफ आई विल विजिट लंडन, अगर मैं लंडन जाऊंगा, आई विल मीट यू. देखें, तो यहाँ पर ये जो विल है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस यूज कर रहे हैं, और जो इफ क्लोज और या कोई ऐसी कंजेक्शन जो आपका कंडीशन को बताती है तो फ्यूचर लेकर नहीं आती, बल्कि क्या बताएगी, वो प्रेजेंट में ही आएगी. तो यहाँ पर आ गया इफ आई विजिट लंडन आई विल मीट यू इज द करेक्ट आंसर. सिर्फ इफ ही नहीं, कोई भी कंजेक्शन हो सकती है. जैसे अगर मैं बात करूं व्हेन, आफ्टर, इफ, एज सून एज पॉसिबल या एज सून एज, तो इस तरह की जो कंजेक्शन होती है जो फ्यूचर के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं उसको, तो जो फर्स्ट क्लोज जिसके ऊपर कंडीशन लगी होती है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आता है, वो हमेशा क्या आएगा, आपका प्रेजेंट में आएगा, और बाद वाला जो मेन क्लोज होता है वो आपका विल के साथ आ सकता है. अब देखो ध्यान से, इफ द प्लान सक्सीड्स, देखिये इफ द प्लान सक्सीड्स आई विल कम. तो यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट में ही यूज किया है. देखे, I will call you as soon as I arrive at the railway station या airport. तो यहाँ पे हम will use नहीं कर सकते, I will arrive, क्योंकि यहाँ पे देखो as soon as ये क्या बता रही है, आपकी condition को बता रही है, और जिस भी particular clause के साथ condition लगती है जिसको हम subordinate clause बोलते हैं, वो future conditional sentence में present में ही आएगा, वो future में आप use नहीं कर सकते हैं. तो ये grammar tip आपको ध्यान में रखनी है. Let's move on to our next slide, daily used sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसको आप जनरल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. देखे,
कीप समबडी नोज आउट, कीप समबडी नोज आउट, जिसका मतलब होता है डोंट इंटरवीन इन समवन पर्सनल मैटर, मतलब किसी के पर्सनल मैटर में अपनी टांग ना घुसे ना या अपनी टांग नहीं अड़ाना। तो हम बोल सकते हैं यू शुड कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स, मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है या मेरे मामले में क्या कर रहा है, अपना इंटरवीन कर रहा है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं यू शुड कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स, मतलब मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। हालांकि यहाँ पे नोज दिया है लेकिन यहाँ पर इसका जो सेंस होगा कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मेरे मामले में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तो यहाँ पे बोल सकते हैं यू शुड कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स। सो आई ट्रूली बिलीव दिस ब्रीफ सेशन यू एंजॉयड अ लॉट। Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and I will keep updating such videos which will definitely improve your English. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.